मुरादाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रहे हैं और अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। माँ गंगा प्रदूषण समिति के संत रामजात जी हमारे साथ हैं। आज जो RAF है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को मास्क वितरण दिए, क्या किस तरह का पूरा कार्यक्रम था, ये बात करते हैं। सर, किस तरह का कार्यक्रम था आज? माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति जब से लॉकडाउन लगा है तब से लगातार कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। जैसे राशन वितरण है, गरीबों को राशन वितरण किया, जानवर जो हमारे बेजान जानवर हैं हम उनको केले ब्रेड, कुत्तों को ब्रेड, बंदरों के लिए, गायों को चारा खिलाया। उसके पश्चात साथ साथ हम लोगों ने सैनिटाइज़ किया, मास्क का वितरण किया। और एक हमारे दिमाग में आया कि हम लोग क्यों ना जो जिसके ड्रेस है उस ड्रेस के आधार पर मास्क बनवाए जाएँ। तो इसी कड़ी में हमने आज RAF के जो उनका कलर है नीला कलर, उसी कलर के हमने मास्क बनवाए, हमने उनको मास्क दिए। इसी प्रकार हमें पुलिस के जो खाकी कलर है पुलिस को खाकी कलर मांगे, हिंदुओं के लिए भगवा कलर और जैसे मुस्लिम के लिए हरे कलर। इस प्रकार से हमने कलर्स के हिसाब से हमने अलग अलग कलर के मास्क हमने लोगों को वितरण किए हैं और करते आ रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। इसके साथ साथ मैं जनता से ये अपील करूँगा कि कोरोना वायरस के अंदर आप लोग इसका ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस बनाएँ, मास्क का वितरण मास्क लगाएँ, साथ साथ अगर कोई ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, घर से अन्यथा घर से बाहर न निकलें। अपना, अपने परिवार का, अपने ज़िले का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का सम्मान करें और इस कोरोना वायरस लड़ने में अपना पूर्ण सहयोग करें। ये थे माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के अध्यक्ष संत रामदास जी। और साफ तौर पर जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संस्थाएँ हैं, वो कोरोना काल में सामने आ रही हैं, लोगों की हर मुमकिन मदद कर रही है। RAF के जवानों के लिए RAF जैसी ड्रेस जैसी मास्क वितरण की है, पुलिस को पुलिस जैसी, और जो हिंदू संगठन है भगवा कलर जैसी, और जो मुस्लिम लोग हैं उनको मुस्लिम कलर जैसी जो मास्क हैं वो वितरण कर रहे हैं। और लगातार इनका ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अमृत विचार।